फोरम बैंक यूनियन ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण का विरोध जताया। अभी जैसा कि आप सभी लोगों ने बजट सेशन में देखा होगा, सरकार ने अभी दो प्राइवेट बैंकों के निजीकरण की बात की है और फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो वेबसाइट है उस पे भी ये उन्होंने डाल दिया है। अभी बैंकों का नाम नहीं बताया है किन दो बैंकों को करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने ये कहा कि इस वित्तीय वर्ष में दो बैंकों का हम निजीकरण करेंगे। अभी निजीकरण का मतलब यह है कि जो निजी हाथों में औद्योगिक घरानों के हाथों में या व्यक्तिगत हाथों में बैंक जाएंगे, वो लोग जनता का जो जमा है उस जनता के दमा को दुरुपयोग करेंगे, जैसे पीएमसी के डायरेक्टर ने किया, जैसे कि अभी आईसीआईसीआई के डायरेक्टर चंद्रा कोचर जी ने किया, जैसे कि एस बैंक के डायरेक्टर ने किया। अभी वो तो जेल चले जाएंगे, कंफर्टेबल जेल में भी वो कंफर्टेबल रहेंगे, बट जनता जिन्होंने दाढ़ी कमाई का पैसा, पेंशनर जिन्होंने जीवन भर की जमा पूंजी बैंक में जमा कर रखी है, अभी वो सब सड़क पे आ जाएंगे। वो अपने दवा के लिए, अपने बच्चों के शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई के लिए, भोजन पानी के लिए मुहताज हो जाएंगे। तो अभी हमारी दो तरह की लड़ाई है, एक तो जनता के पैसों को बचाने की लड़ाई है और दूसरा सरकार के ये जो कुचक्र जो साजिश कर रही है बैंकों के प्रॉपर्टीज को औने पौने दामों पे बेचने के, इसको रोकने के लिए हम लोग आंदोलन पे हैं। और अभी दो दिन की हड़ताल है, हमें आशा है कि शायद इस सरकार से सरकार समझ जाए और नहीं तो हम आगे भी अपना आंदोलन जारी रखें। एक एक कुल एक डिमांड है कि बैंकों का निजीकरण न किया जाए। वजह दो, नंबर एक जो बैंकों की प्रॉपर्टी है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जितनी बड़ी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं हजरतगंज में, दूसरे छोर पे इलाहाबाद बैंक था जो भी इंडियन बैंक हो गया, उसकी प्रॉपर्टी है इतनी ही। और बैंकों का जो कैपिटल है वो 300-400 करोड़ है, जितना अकेले इस केवल लखनऊ मेन ब्रांच की स्टेट बैंक की कीमत है। आज देखते हैं 500 करोड़ रुपया लगा के बैंकों के लाखों करोड़ रुपए के एसेट और 12 लाख करोड़ रुपए लोगों के जमा किसी की मुट्ठी में आ जाएंगे। तो विरोध किस बात का, निजीकरण का या फिर इस बात का कि एसेट को आप कम कीमत पे सरकार दे रही है? दे ही नहीं सकते है कम कीमत, उसको तो अपना शेयर बेचना है। हमारा विरोध जो है निजीकरण, निजीकरण का विरोध है, क्योंकि सरकारी बैंक है और बहुत ही लड़ाई संघर्षों के बाद 1969 में ये निजीकरण निजी हाथों से हटके सरकारी। सरकार तो कह रही है हम जनसेवा कर रहे हैं और अच्छी